फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशू और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद रेशू में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुरकुरी भिंडी बनाने की रेसिपी। ये भिंडी आपने किसी भी ढाबे पर या फिर रेस्टोरेंट में खाई होंगी, बिल्कुल वैसी ही बनती हैं। आप ये कुरकुरी भिंडी स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं या फिर इन्हें खाने के साथ बना सकते हैं। पूरी पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं, या फिर अगर आप दो सब्जी बना रहे हैं तो एक ऑप्शन आप ये कुरकुरी भिंडी का रख सकते हैं और दूसरी ग्रेवी वाली सब्जी बना सकते हैं। तो इससे जो भिंडी है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनेगी और अच्छी भी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कुरकुरी भिंडी की रेसिपी को। इसे बनाने के लिए लेनी है भिंडी। ये मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, जिन्हें मैंने अच्छे से धोकर इनके ऊपर जो पानी था उसे कॉटन के कपड़े से सुखा दिया है। और लिया है एक नींबू, जिसमें से आधे नींबू का यूज़ करूँगी मैं। हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच, चाट मसाला आधा छोटी चम्मच, गरम मसाला एक चौथाई छोटी चम्मच, नमक एक से डेढ़ छोटे चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, दो बड़े चम्मच बेसन, हींग एक से दो पिंच, अजवाइन आधा छोटी चम्मच। और अजवाइन और हींग ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट नहीं है पसंद तो आप ना डालें। और लेना है भिंडियों को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। सबसे पहले जो भिंडी ली है उनको कट करना है। इसके लिए एक भिंडी लेंगे और इसके जो आगे और पीछे का पार्ट है उसको निकाल कर अलग कर देंगे और इस तरह से बीच में से कट करेंगे भिंडी को लंबा लंबा। अब इसे बीच में से कट करेंगे इस तरह से और भिंडी के बीज निकाल देंगे। ये छोटी और पतली भिंडी थी, इसीलिए मैंने इसको चार पीसेस में कट किया है। अगर भिंडी बड़ी और मोटी है तो आप उसको छः पीसेस में कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से सभी भिंडी के बीज निकालने हैं और इसी तरह लंबे लंबे पीसेस में भिंडी को कट करना है। ये मैंने सभी भिंडियों को कट कर लिया है और इसके जो बीज हैं इन्हें फेंक देंगे। अब ये कटी हुई भिंडियों में नींबू का रस डालेंगे। ये मैंने आधा नींबू लिया है और इसके बीज निकाल दिए हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, गरम मसाला, चाट मसाला, अजवाइन, एक से दो पिंच हींग और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देंगे इसमें, और दो बड़े चम्मच बेसन डालना है। बेसन से जो भिंडी हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को, हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, जिससे कि जो बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा भिंडी में। ये मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो ऑयल लिया है उसको गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पर। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें भिंडी डालेंगे और इस तरह डालेंगे ऑयल में फैलाते हुए, एक जगह पर इकट्ठी नहीं डालनी है, इस तरह फैलाते हुए डालनी है, जिससे कि जो भिंडी है वो अच्छी तरह से सिक पाएंगी। कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे ऑयल में भिंडी को और गैस की फ्लेम को अभी लो मीडियम रखा हुआ है। कुछ देर बाद मिक्स करेंगे इन्हें और इस तरह मिक्स करते हुए और हल्का हल्का सा पलटते हुए इन्हें सेकना है, जब तक कि ये हल्की गोल्डन ना हो जाए। अब भिंडी अच्छे से सिक गई हैं, अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं और कलर भी आप देख सकते हैं इनका चेंज हो गया है। तो ऑयल में से अभी इन्हें निकाल लेंगे। ऑयल में से भिंडियों को निकालने के बाद आप इन्हें पेपर टॉवल के ऊपर रख दें, जिससे कि जो इसमें एक्सेस ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह से सभी भिंडियों को फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे, जिससे कि जो भिंडी हैं वो अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। भिंडियों को तुरंत ऑयल में डालने के बाद इन्हें मिक्स नहीं करना है स्पून से, थोड़ी देर इसी तरह रहने देंगे इन्हें, फिर मिक्स करेंगे थोड़ी देर बाद। अब ये भिंडी भी अच्छे से सिक गई हैं तो इन्हें भी निकाल लेंगे।
अब ये सभी भिंडियाँ मैंने अच्छे से सेक ली हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं और बहुत ही टेस्टी बनी हैं। आप चाहें तो सर्व करते टाइम इनके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस और चाट मसाला और डाल सकते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितनी ही क्रिस्पी बनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये कुरकुरी भिंडी की रेसिपी को, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।